आपके लिए लेकर के आया हूँ साबुदाने की खिचड़ी। पर्सनली मैं बताऊँ, मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि इंग्रेडिएंट्स ऐसे डाले जाएं इसमें कि आसानी से इसको खाया जा सके। मेरा पर्सनल मानना यह होता है कि साबुदाने की खिचड़ी में जो भी इंग्रेडिएंट्स मैं यूज करता हूँ, वेजिटेबल्स जो है, और साबुदाने की रेशियो जो है 1:1 हो, या फिर वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स ज्यादा हो, ताकि हमें जो भी रिक्वायर न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमें मिलते रहे। एक एक करके मैं आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। इसमें मैंने चॉप्ड शिमला मिर्च लिया हुआ है, ठीक है। तीन लोगों के लिए मैं बना रहा हूं, तो उस हिसाब से मैंने दो बड़ी साइज की टोमेटो चॉप किया हुआ है। उबले हुए पोटैटोज हैं, ठीक है। आप ये ऑप्शनल भी रख सकते हैं, लेकिन पर्सनली मैं बताऊं तो ये काफी ज्यादा टेस्टी लगते हैं अगर आप साबुदाने की खिचड़ी में इसको सर्व करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो मूंगफली है, ठीक है, मूंगफली सेकने के टाइम थोड़ा ध्यान रखना है, ज्यादा से ओवर कुक्ड हो जाए, ओवर ज्यादा सेक जाएगा तो फिर ये टेस्ट में अच्छा नहीं लगता। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे पास चॉप किया हुआ कैबेज है, मैं इसमें गोभी भी डालता हूँ। गोभी ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हैं, आप अवॉइड भी कर सकते हैं। एक और ऑप्शनल मैंने यहाँ पे लिया हुआ है कि ये भी आप उबले हुए कॉर्न ले सकते हैं, ठीक है। सॉल्टेड है ये, हमेशा ध्यान रखें कि चाहे वो नवरात्रि का टाइम हो या ऐसे भी अगर आप खाना बनाते हैं खुद से, तो घर में सेंधा नमक अगर यूज कर रहे हैं तो हेल्थ के लिए ज्यादा अच्छा रहता है। चॉप ग्रीन चिलीज है, ठीक है, और कुछ मैंने मसाले लिए हैं। मसाले वैसे ज्यादा मैं यूज करूंगा नहीं इसमें। इसमें हमारे पास जीरा है, ये ऑप्शनल नहीं है, ये डालना चाहिए, ये अच्छा लगता है टेस्ट में। टर्मरिक पाउडर है, चिली पाउडर है, थोड़ा सा मैंने गरम मसाला लिया है, ये भी ऑप्शनल है, आप डाल सकते हैं, मैं तो वैसे नहीं डालूंगा इसमें। और रॉक सॉल्ट, ठीक है। ये पूरी की पूरी प्रोसेस जो है, इसके लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना है कि जो भी हमारा साबुदाना है, लोगों का एक कंप्लेन रहता है कि साबुदाने अच्छे से गल नहीं रहे हैं, अच्छे से खिल नहीं रहे हैं, इसको आप 6 से 7 घंटे आप इसको पानी में भिगो करके रखें। देखिए अभी कितने अच्छे से ये खिल चुके हैं, सारे के सारे दाने इसके अलग अलग, और बहुत ही अच्छी इसकी टेक्सचर भी आने वाली है अभी बनाने के टाइम में। और जो भी हम बना रहे हैं इसमें, हमें ध्यान रहे कि ये पूरी की पूरी देसी घी में हमें बनाना है, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम घी डालते हैं एक फ्राइंग पैन में, ठीक है, और ध्यान रहे कि ये घी में ही ज्यादा टेस्टी लगता है, तो सफिशियंट देसी घी आप डाल सकते हैं। तेल को अवॉइड कीजिए, ठीक है, ये पूरा ऑप्शनल है कि आप तेल भी यूज कर सकते हैं, घी भी यूज कर सकते हैं। पर्सनली मैं घी यूज करता हूं क्योंकि मुझे काफी ज्यादा पसंद है। उसके बाद एक एक करके जो भी हमारे पास वेजिटेबल्स हैं, इसको हम पहले 4 से 5 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। एक बार जब हमारा घी गर्म हो जाएगा तो उसमें हम सबसे पहले जीरा डालेंगे, जब ये जीरे से चटकने की आवाज आने लगे तो उसमें हम चॉप की हुई, बारीक चॉप की हुई हरी मिर्च, शिमला मिर्च, और बाकी के भी जो वेजिटेबल हमें सैलो फ्राई टाइप का है, ये आप इसमें देख सकते हैं। मैं सारी वेजिटेबल्स एक साथ ही मिक्स कर देता हूँ ताकि जल्दी से जल्दी हमारा ये कुक हो जाए। ओवर कुक नहीं करना है इसे, हमें ध्यान रखना है इसको। इसे हमें 4 से 5 मिनट तक ढक के पकाना है, ठीक है। ध्यान रहे कि आपका फ्लेम जो हो वो मीडियम पे हो, हाई फ्लेम पे ये जलने के नीचे चांसेस रहता है हमेशा, ठीक है। ओके, देखते हैं, ये लगभग पक चुका है अपना, ठीक है। तो बाकी के जो वेजिटेबल्स हैं वो भी इसमें हम डाल देते हैं, जैसे हमारे पास टोमेटो बचा हुआ है, अच्छे से इसको मिला लीजिए। ध्यान रहे कि जो फ्लेम है वो मीडियम फ्लेम पे है, उसको हमें पकाना है। अच्छे से मिला करके और थोड़ा सा इसमें हल्दी पाउडर, अगर आप चाहें तो ऑप्शनल है ये, सिर्फ कलर के लिए मैं डाल रहा हूँ थोड़ा सा, ताकि मैं चिली पाउडर यूज नहीं करता खाने में ज़्यादा। गरम मसाला भी ऑप्शनल है, ये भी आप यूज कर सकते हैं, और सॉल्ट। अब
इन सबको अच्छे से हमें मिला सकते हैं और एक सेकेंड मिनट के लिए वापस इसको हमें ढक देना है ताकि अच्छे से मसाले मिल जाए पूरी सब्जियों में। फ्रेंड्स जब देखिए लगभग पक चुका है, ठीक है, तो इसमें हम कॉर्न भी डाल देंगे, ये भी ऑप्शनल है लेकिन आप एक बार डाल करके ट्राई करके देखिए, काफी ज्यादा इसका टेस्ट जो है वो चेंज हो जाएगा। इसको भी अच्छे से मिक्स कर दीजिए, ध्यान रहे ज्यादा इसको मिक्स करने से सब्जियां टूटेंगी ही, तो इसलिए सावधानी से इसको मिक्स कीजिए। अब जबकि ये लगभग लगभग तैयार हो चुका है तो इसमें हम ध्यान से साबुदाने को मिक्स कर देंगे। चलाने में प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैं इसको दो हिस्से में मिक्स करूंगा। मैं मूंगफली, ग्राउंड नट्स, ठीक है, रोस्टेड है, आप चाहें तो इसके छिलके उतार भी सकते हैं। बहुत सारे लोग इसको स्टार्टिंग में ही जब सब्जियां फ्राई करते हैं तो उस समय उसको फ्राई करके डालते हैं लेकिन वो काफी ज्यादा तेल या घी एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इसलिए मैंने इसको अलग से ड्राई रोस्ट किया हुआ है और उसके बाद इसको मिक्स कर लीजिए अच्छे से। अब गार्निशिंग का टाइम है, लगभग लगभग ये बन चुका है तो इसको बस थोड़ा सा इसमें धनिया पत्ता डाल करके इसको आप मिक्स कर लीजिए और ये तैयार है अब सर्व करने के लिए। ये सर्व करने के लिए तैयार हो चुका है, ठीक है, काफी ज्यादा ही अच्छा इससे खुशबू आ रहा है, ठीक है। अभी मैं इसको टेस्ट करके देखता हूँ कि कैसा हुआ है, राइट, काफी गर्म है, इसको थोड़ा ठंडा होने दीजिए नहीं तो टेस्ट के चक्कर में मुंह भी जल सकता है। ओके, हियर आई गो। वाओ फ्रेंड्स, पहली बार बनाया है लेकिन वाकई आप एक बार टेस्ट कर ले, अमेजिंग, बहुत ही टेस्टी है, थोड़ा सा नमक कम रह गया है बट स्टिल इट्स फैंटास्टिक। बेहतर टेस्ट के लिए आप इसमें नींबू यूज कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इससे फ्लेवर आता है। आप इसको नींबू के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बिना नींबू के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आप वाकई इस मेथड से एक बार बना के देखिए और फीडबैक जरूर दीजिएगा कि कैसा रहा, ठीक है, काफी ज्यादा टेस्टी है ये और हेल्दी भी।